अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आप सबको न्यू न्यू वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर वही जगह है और कल इसका भाई लेके आए थे ट्रेनिंग के लिए, उसने तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और इसका पता नहीं ये कैसा रिस्पांस देता है। ये उसी का छोटा भाई है, आ तो गया है। और एक बात बताइएगा, दोनों में से कौन सा प्यारा है, ये भी चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, ऊपर से टोटली ब्लैक है, सीना इसका वाइट है, पाँव वाइट है, और वो आपने देखा था उसका टेल वाइट ब्लैक थी और सर ब्लैक था, बाकी सारा वाइट था। इसका छोटा भाई है और इसका देखते हैं आज क्या सीन बनता है, क्या करता है हमारे साथ। और ये मुझे बताइएगा, वो कल वाला प्यारा था कि ये आज वाला? खड़ा हो इधर। इसका थोड़ा सा कम ही रिस्पांस लग रहा है, आसपास ज़्यादा तवज्जो है इसकी, ध्यान शायद कोई बिल्ली है जो मैना ज़रा बोल रही है इस दरख्त पे, ये सामने चीज़ उन्होंने देखी है। चौधरी साहब कुछ करें, कल आपके भाई ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, ये इसी तरह रिस्पांस दोगे तो फिर ही हमारे साथ चल पाओगे, अगर इस तरह का रिस्पांस नहीं हुआ तो फिर। ये देखें जी, शुरू हो गया, लगता है इसे बात पसंद आ गई है, जो बल्कि बात का धमकी धमकी इसको अच्छी लगे। चल फिर एक दफ़ा पीछे चल, आएगा फिर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। और ये देखें, आ चुके हाथ के ऊपर, थोड़ा सा घबराता है, वो नहीं डरता था, ये चौधरी थोड़े से डरते हैं जिस वजह से लेट कर रहे हैं, बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह सेट ऐसा ऐसा, जैसे जैसे फ्लाई करेगा भाई लेके आएंगे ऐसे ऐसे फिट हो जाएगा। अब ज़्यादा पीछे दूर जा रहा हूँ, जितना दूरी से उसे बुलाते रहें उसी। फसलों में जा गिरा, ब्रेकें फेल, पहले उस दरख्तों पे जाके बैठने लगा था और अभी अंदर चला गया। ये बैठा, यही मसला होता है कि हर एक बर्ड अच्छा नहीं निकलता, कुछ एक अच्छे रिस्पांस देते हैं कुछ एक नहीं देते, जैसा कि कल वाइट वाले का आपने देखा होगा रिस्पांस, और आज इसका देख लें जनाब, बिल्कुल ही अलग है।
ये बैठा है आ जा। एक तो ये जनाब जी निकल आए हैं भाई, आसमान से खिरे गिरे खजूर पे अटके, और इनका यही हिसाब है खजूर पे अटके। जब मैं जो नज़र आ रहा हूँ कि बैठ सामने हूँ आपको बुला रहा हूँ, तो आपका क्या काम है किसी थर्ड जगह। अभी मेरे कंधे पे आके बैठ चुके ये देखें, और फिर बुलाते हैं वो देखें जी, मोरनी है फीमेल और साथ में पहचाने क्या है, हम तो इसको फेरू बोलते हैं। जनाब जी डॉग्स आ गए हैं फौज, और जिनको देख के वो उड़ चुके हैं, मिनट ही मारे ये हानते। चलो ले चलो है ना, अब उसको बुलाते हैं। ये जाएं तो हम उनको बुलाएं, टाइगर। और वो जनाब ये ट्री आम के दरख्त के ऊपर बैठ गए हैं, ये पीकॉक का फीमेल, और ये देखें ये बैठे हैं जनाब, नज़र आ रहे होंगे, अब इनको बुलाते हैं। उड़ने तो लगता लगा है, ये इसका केज है। और जनाब को केज दिखाते हैं, शायद केज की पहचान करके आ जाए। वाइट वाले ने तो इतना तंग नहीं किया कल, और इस जनाब को थोड़ा सा डर है ऐसा सा हो जाएगा सेट। कभी कभी जी जलालत भी उठानी पड़ती है, और जलालत आज उठा रहे हैं जनाब। ये देखें जी ये छत पे आके बैठ गया, और पहले कहाँ पे बैठा था, पहले इन दरख्तों पे था वो, ये जो दरख्त है इस पे बैठा हुआ था, ये साथ आम का इसके। अब यहाँ से उड़ा है, चालू हुआ, अभी उतर ही नहीं रहा, डरा हुआ है, और यहाँ पे आके बैठ गया। बुला रहा हूँ जनाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वाइट वाला कल आपने देखा है, एक विसल पे आया था, और ये जनाब बैठे हैं घूम फिरे, आ तो रहा चल के अगर आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं लग रहा इसका मूड। देखते हैं, देख रहा नीचे, देखें जी जनाब ये देखें, काफ़ी मेहनत के बाद आधे घंटे की उस छत से उड़ के अभी ये नीचे आ गया। अब फिर ऊपर चला गया इस बंदे से डर के, ये चौधरियाँ खुरक धोती वाली, उसको पता ही कोई नहीं किसी चीज़ का। अब ऊपर बैठा, अब फिर इसको उतारने की कोशिश करते हैं। ये जनाब बैठ के शाम हो गई है, साथ मोर बैठा है मेल पीकॉक, वो भी साथ छतों पर रहता, और साथ ये बैठे हैं और कोई बात सुनने का नाम नहीं ले रहे। अब जनाब ये आगे बैठ चुके हैं,
कबूतर आया, ये बाकी जाल हैं कबूतरों के जो के छतरी वाले उड़ने वाले बाजियों वाले। रामना रामना रामना, हाँ बैठा ही दिया जाता ही मुड़ कितने। ये बैठे हैं जालों के पास आके, अब देखो डर रहा है अभी भी, कुत्तों से चालू ही बड़ा हो गया। जलील कर मारा है जो नाम ने, जलील कर मारा है। अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ इधर से पकड़ने के लिए, उस तरफ चला जा रहा है। बहुत चालू हो गया है, पता नहीं क्या इसको अचानक से बना है, छोटा सा बच्चा पाला है और नीचे उतर गया। ये देखिए छत्तों में जलील कर रहा है, बाहर जलील किया है। हाय जनाब जनाब, जितना तेरे से अच्छा। जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरा। एट द एंड ये नतीजा हुआ है कि अभी मैं घर आ चुका हूँ अपने, और कबूतर हाथ नहीं आया। कभी कभी ऐसा बुरा भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि मैं मास्टर हूँ, हर कोई मास्टर है। ट्रेनिंग भी अच्छी होती है, लेकिन बर्ड कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े अच्छे होते हैं नेचर वाइज, और कुछ बुरे होते हैं, जितना भी मेहनत कर ली जाए और आपकी मेहनत ज़ाया ही करते हैं। और लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं कि खैर घबरा गया था, कुत्ते अचानक से आए हैं और वो उड़ के दरख्त के ऊपर बैठा है, और अभी ये हुआ कि वो दीवार से उड़ के फिर पकड़ने गए, पूरा अंधेरा हो गया था रात, तो वहाँ से उड़ा है फिर दरख्त के ऊपर बैठ गया है। और अब सुबह फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे उसको दोबारा बुला के पकड़ेंगे, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल वो नहीं आया, तो अभी खप खप आके रात हो गई थी, दो तकरीबन डेढ़ दो घंटे की जलालत के बाद मैं घर वापस आ चुका हूँ, और वो एक ट्री के ऊपर है, रात उधर ही गुजारेगा, अब सुबह ही उसे जाके पकड़ेंगे। तो ये हो जाता है। अब इसका भाई देखें कल, माशाल्लाह कल की वीडियो जो है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत A1 रिज़ल्ट दिया, और इसकी हालत देख लें, दो तीन दफ़ा आया है उसके बाद जरारत ही हुई है। चलें इंशाल्लाह सुबह देते हैं फीडबैक इसका।